इतिहास में गुणगान कभी भी कटे हुए सर से ज्यादा उसे काटने वाले हाथों का होता है, और ऐसे हाथों से रचा हुआ इतिहास ही है। तुम्हें क्या लगा रोकी भाई की कहानी का थी एंड हो गया? कहानी का थी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। केजीएफ तो तबाह हो चुका, लेकिन उसके नीचे माइंस अभी भी सोना भरा पड़ा था, और उसे निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ केजीएफ के लोग ही कर सकते थे। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे लाऊंगा, और उस वादे को पूरा किए बगैर मैं मर नहीं सकता। यश की केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में खुलासा किया, कहा केजीएफ 3 बनेगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सालार के निर्देशक प्रशांत नील ने यश स्टारा केजीएफ फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग की संभावना के बारे में खुलासा किया। निर्देशक प्रशांत नील वर्तमान में उद्योग में काम कर रहे प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक हैं। यश की केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अपार सफलता के बाद नील प्रसिद्धि में आए, जिसने किसी भी आगामी एक्शन थ्रिलर के लिए एक बड़ा बेंचमार्क स्थापित किया है। निर्देशक ने 2023 की अपनी महान कृति सालार के बॉक्स ऑफिस नंबरों को तोड़कर भी काफी चर्चा बटोरी। इस बीच हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत ने सबसे प्रतीक्षित फिल्म केजीएफ अध्याय 3 के बारे में साझा किया। एक नज़र डालें, केजीएफ 3 बनने जा रहा है, प्रशांत नील। एक इंटरव्यू के दौरान नील ने कहा, हम सालार 2 के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे बस एक ब्रेक लेने की जरूरत है। मैं सालार में था और मैंने केजीएफ के साथ काम करना शुरू कर दिया, मुझे एक ब्रेक लेने की जरूरत है। नील ने आगे कहा, केजीएफ 3 बनेगा, केजीएफ 3 भी स्क्रिप्टेड है, पहले से ही लिखा हुआ था, अन्यथा हम इसे पार्ट 2 में नहीं डालते, लेकिन अंत में सभी को पता था कि हम पार्ट 3 बना रहे हैं, यही वह है जिसे हमें फिर से अलाइन करना है। नील ने आगे कहा कि यश और निर्माता विजय किरागंदूर के पास पाइपलाइन में कई अन्य परियोजनाएं हैं, क्योंकि केजीएफ 3 केवल एक चीज के साथ ही किया जा सकता है। प्रशांत नील, उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन करते हुए कहा, हमें बस एक दिन अपना कार्यक्रम खाली करना है और फिर हम इसे शुरू कर देंगे। केजीएफ निस्संदेह सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइज में से एक है, जिसने पूरे कन्नड़ सिनेमा की किस्मत बदल दी। एक्शन थ्रिलर फिल्म एक माँ और एक लड़के की कहानी पर केंद्रित है, जिनकी एक इच्छा पूरी होनी है और बाद में यह उनकी नियति बन जाती है। फिल्म में यश ने रॉकी भाई की भूमिका निभाई है, जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बड़े व्यक्ति होने की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल दिया। यश के अलावा इस एक्शन ड्रामा में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, प्रकाश राज, रवीना टंडन, अर्चना गोइस, रामचंद्र राजू, ईश्वरी राव और अच्युत कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इस परियोजना को विजय किरागंदूर ने होमब्ले फिल्म्स के बैनर तले वित्त पोषित किया था, और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरोर द्वारा रचित थे।